बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। गर्मियां आते ही बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती है, साथ ही हम बड़ी पापड़ अचार वगैरह सारी चीजें बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एकदम इजी तरीके से बनने वाला केरी का अचार, यानी कि आम का अचार, जो कि बिना धूप के भी 3 से 4 साल तक आराम से बना के स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। बिना फ्रिज के आप इसे 3 से 4 साल तक स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए लिए हमने 1 किलो केरी। केरी को हमने जहां से हम केरी लाते हैं वहां से कटवा लिया था, उसने साइज तो बड़े किए थे, हमने घर पे लाके इसको साइज छोटा कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये 1 किलो केरी है, इसका हम आपको अचार बना के दिखाएंगे। ये लिए हमने कढ़ाई, पहले हम तेल गरम करेंगे फिर हमारा अचार डलेगा। ये लिए हमने कढ़ाई और इसमें हम तेल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, 1 किलो केरी का हम अचार डाल रहे हैं तो हम इसमें अभी 200 ग्राम जितना तेल ऐड करेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है, फ्लेम को करेंगे लो पे। पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, ये साबुत सौंफ है, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। ये सारी चीजें गरम तेल में ऐड करनी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 लौंग और 2 इलायची। ये हमारे अचार को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देंगे। और अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी चीजें ऐड करेंगे। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/3 चम्मच हींग और इसे थोड़ा और ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें सारी चीजें ऐड करेंगे। जब तक हमारा तेल थोड़ा ठंडा होता है, इन केरी को हम कर लेते हैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर, क्योंकि मसाला ऐड करने के बाद केरी को हम चलाने वाले हैं तो उसके लिए जगह भी चाहिए। इसे रखते हैं साइड में और अब हम अपने जो हम तेल गरम किया था उसमें धीरे धीरे करके सारे मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, 1 किलो केरी है, उस हिसाब से हम सारी चीजें 100-100 ग्राम ऐड करेंगे, यानी कि सारे मसाले 100 ग्राम ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे एकदम जो अचार का टेक्सचर है और जो मसाले हैं वो एकदम परफेक्ट रहेंगे। हमारे घर में थोड़े से मसाले ज्यादा खाते हैं। फ्रेंड्स, तेल को हमने नीचे रख लिया है गैस से उतार के, ठंडा भी होने लगा है। फ्रेंड्स, 1 किलो केरी में हमारे यहाँ पे सारे मसाले 100-100 ग्राम ऐड होते हैं, यानी कि नमक, मिर्ची, सौंफ, राई, सारी चीजें। यदि आप लोग घर में कम ऐड करते हो, कम ऐड करें, हम हमारे हिसाब से यहाँ सारे मसाले ऐड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, बोलते हैं कि जो मसाले में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो ये जो तेल गरम होता है उसमें हम इस तरह से ऐड कर देते हैं तो उससे जो भी मॉइस्चर है वो उड़ जाता है और हमारा अचार खराब नहीं होता। ये ली हमने पीसी हुई सौंफ, सौंफ, राई, इन सारी चीजों को हमने केर के अचार में सेक के दिखाया कि कैसे किस तरह से इनको भून के फिर है ना हम इसको पीसते हैं, तो प्लीज आप वही वीडियो देख लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम पीसी हुई सौंफ,
तो साथ में इसे मिक्स भी करते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पीली सरसों। हम इसमें काली सरसों ऐड नहीं करेंगे क्योंकि काली सरसों से थोड़ा अचार का कलर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, यानी कि काला काला हो जाता है, इसलिए हम इसमें काली राई ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच यानी कि एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कम ऐड करते हैं इसलिए हल्दी पाउडर 100 ग्राम ऐड ना करें, नहीं तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। यह है 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्ची। और 50 ग्राम ही नॉर्मल मिर्ची। ये अभी तेल थोड़ा हल्का हल्का गर्म है, ये सारी चीजें इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और हमारा अचार एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा। इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला सारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे ऐड करेंगे जो हमने केरी रखी थी उस मसाले में, कुछ इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी हम इसमें तेल कम लग रहा है पर ये तेल बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, अभी हम इसमें इतना ही रखेंगे क्योंकि नमक वगैरह सब मिक्स होने के बाद तेल ऊपर आ जाता है। और आप जो भी लो थोड़े बड़े बर्तन में लो ताकि इनको मिक्स करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया है। अब इसे हम 3 से 4 दिन तक इसी में रखेंगे और सुबह शाम इसे चलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसे कांच के जार में भरेंगे, यानी कि ये हम पूरा साल स्टोर करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 दिन बाद मिलते हैं। तब तक इसके नमक भी सेट हो जाएगा, सारे मसाले भी सेट हो जाएंगे और ये हम जार में भरने के लिए रेडी भी हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखें कि जो चम्मच से आप इसको चलाएं वो एकदम सूखा रखें, जो बर्तन में आप रखें वो भी सूखा रखें और सारे मसाले भी एकदम ड्राई हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं 4 दिन बाद। फ्रेंड्स, 4 से 5 दिन हो गए हैं। ये देखिए, हमने आपको बताया था ना कि हम 4-5 दिन बाद मिलेंगे। इस अचार को हमने डाला था तेल के साथ और हमने आपको कहा था कि हम 4-5 दिन बाद मिलेंगे। हमने 4-5 दिन इसको सुबह शाम दोनों टाइम इसको चलाया और अब ये हमारा अचार बनके एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे कांच के बाउल में। फ्रेंड्स, हमने सारा इतना सारा अचार बनाया था, वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाते इसलिए हमने इतना ही दिखाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा साल भर का अचार बनके रेडी हो गया है। अब हम इन्हें जार में भरेंगे। पर फ्रेंड्स, हम जो 1 किलो अचार बनाया था जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था, हम वही अचार आपको दिखाएंगे जार में भर के। फ्रेंड्स, ये लिए हमने कांच के जार, इनकी भी अच्छी तरह से हमने सूखा कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने अचार बनाया था उसे ट्रांसफर करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले, फिर हमें ना इसे हम धूप लगाने की जरूरत है ना कोई ज्यादा तामझाम की जरूरत है, फिर भी आपका अचार 2 से 3 साल तक टिकने वाला बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा अचार बनाए। और जो हमने आपको सारी टिप्स बताई थी उसको फॉलो करेंगे तो आपका अचार बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब अचार ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अचार को 2 बाउल में यानी कि 2 जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे ढक्कन लगा के रख देंगे। यह अचार भी हमारे 3 से 4 साल तक खराब नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा। बस थोड़ा आप ही को ध्यान रखना है कि चम्मच और बर्तन दोनों सूखे होने चाहिए। जो अब हम यह ध्यान रखेंगे तो हमारा अचार 2 से 3 साल तक बिल्कुल खराब नहीं होगा, ऐसे कैसे ही रहेगा। और फ्रेंड्स, हमने अचार को सरसों के तेल में नहीं बनाया है, हमने अचार को मूंगफली के तेल में बनाया है क्योंकि हम सरसों का तेल नहीं खाते। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारे एक अचार खाके कमेंट जरूर करें कैसे बनाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।